नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आस्तीन। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अपने पबजी लवर सचिन मीना के साथ इस वक्त रघुपुरा में रह रहे हैं और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वो जासूस हैं और उनके दस्तावेज झूठे निकल रहे हैं, उनकी बातें झूठी निकल रही हैं। उनके पासपोर्ट पकड़े गए 6, जिसमें से अलग अलग नाम दिए गए थे, जिसको लेकर यूपी एटीएस ने अब बड़ा जो है जांच के बदलाव किए हैं। पहले वो पॉलोग्राफी करना चाहती थी, लेकिन अब वो एक ऐसा टेस्ट करना चाहती है। ऐसा टेस्ट सीमा के साथ किया जा सकता है, जिससे सीमा सच बोले ना बोले उनका ब्रेन सच जरूर बोल देगा। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा टेस्ट है, तो आपको बता दें, यह है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग के तहत उनका सारा सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा और सचिन के साथ जो सीमा हैदर रह रही हैं, और ये पता चल जाएगा कि वह सचिन के साथ भारत रहने आए हैं या किसी खास मकसद से पाकिस्तान से उन्हें भेजा गया है, क्योंकि उनके जो है भाई और चाचा के पाकिस्तानी आर्मी में होने के दावे किए गए हैं। गुलाम हैदर ने बात खुद मीडिया कर्मियों से बताई थी, पाकिस्तानी मीडिया में आकर उन्होंने बात कही थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और हम लोगों को यह जानकारी मिली थी। इस पर गुलाम हैदर साफ तौर पर यह कह रहे थे कि सीमा हैदर के जो है जासूसी के उन्होंने खुद बयान दिए थे और कहा था कि उनके भाई और उनके चाचा पाकिस्तानी आर्मी में हैं। तो इससे कयास यही लगाए जा रहे थे कि सीमा हैदर भारत में आई हैं तो जासूसी के इरादे से ही आई हैं, क्योंकि उनके पास वीज़ा नहीं था, वो अवैध तरीके से आई थी। अगर वो आती तो उनको बाकायदा वीज़ा लेना चाहिए था और जानकारी के साथ असली पासपोर्ट और असली दस्तावेज लेकर आने चाहिए थे। इसकी वजह से ही उनको जो है भारत में आराम से रहने की अनुमति मिल जाती, लेकिन वो अवैध तरीके से आएंगे। उनके दस्तावेज झूठे निकले हैं, उनके पासपोर्ट नकली निकले हैं, उनके आधार कार्ड भी पकड़े गए हैं, जिसको लेकर अब एक ही चारा दिखाई दे रहा है, ब्रेन मैपिंग का। अगर इस टेस्ट हुआ तो सीमा हैदर का सारा सच बाहर आ जाएगा और सीमा हैदर पकड़ जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। यूपीएटीएस ने कहा है कि सीमा हैदर अगर सच नहीं बोलेंगी और जिस प्रकार से वो बयान दे रही हैं, उनके कई बार बयान झूठ साबित हुए, वो अगर सच्चाई से बात नहीं बताएंगी तो ये टेस्ट किया जाएगा और सीमा हैदर बोले ना बोले उनका ब्रेन सब कुछ सच बोल देगा। और अगर तब ये बात सामने आती है तो सीमा हैदर सचिन के साथ रहना तो दूर, उनको देख भी नहीं पाएंगी और कहीं ना कहीं उनको भारत की जेल में डाल दिया जाएगा जासूस करार देकर। लेकिन उन्होंने दया याचिका भी दायर की थी अपने वकील को लेकर। सचिन और सीमा के वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका दायर की थी और कहा गया था उस पर कि ये भारत की नागरिकता चाहती है, सचिन के साथ शादी कर ली है और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत उनको भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, जिसको लेकर तमाम बातें उस याचिका में दया याचिका में सुप्रीम कोर्ट कर लेकर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है, इसकी बात के लिए अभी आपको रुकना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस पर कोई बात नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द सुनवाई की जाएगी और हमारा विदेश मंत्रालय भी इस पर चर्चा की गई थी। विदेश मंत्रालय की जो है बात सामने आई थी, विदेश मंत्रालय के जो है अदालत ने कहा था कि इस पर चर्चा जल्द की जाएगी। हम मीडिया कर्मियों की बात न समझकर जो तथ्य सामने निकलेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा या फिर जो जांच में निकल कर आएगा, उसके तहत ही हम आगे कार्रवाई करेंगे और ये देखा जाएगा कि सीमा हैदर जासूस है या फिर सचिन की पत्नी है या सचिन से प्रेम करती है, इस वजह से भारत आई थी। दर्शकों, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या सीमा हैदर सचमुच सच बोल देंगी या पॉलोग्राफी या फिर ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट के बाद ही वो सच बोलेंगी, क्योंकि अगर वो सच नहीं बोल रही है तो ब्रेन मैपिंग में कहीं ना कहीं वो सारे सच बाहर आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि सीमा हैदर आकर चाहती क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।